नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात वे कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। कल वे दिल्ली पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। तो कल दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आगे के निर्णयों पर यहां चर्चा की जा सकती है। कल पीएम मोदी से मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी। तो ये बड़ी खबर, जहां कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना औपचारिक इस्तीफा दिया है। हालांकि वे कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे और पीएम मोदी से कल उनकी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। साथ ही दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पहली कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मोहर संभव है। सरकार ने तुरंत अमल करने वाले कामों की लिस्ट बनाई है। नए गौ संरक्षक केंद्र खोलने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही गन्ना किसानों के जल्दी भुगतान करने पर भी फैसला संभव है। इसके अलावा खाली पदों पर भर्तियों पर भी विचार हो सकता है, बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा मुफ्त सिलेंडर देने वाले वादे को भी पूरा करने की कवायद है। तो ये कुछ बड़े काम है, बड़े फैसले हैं, जिन पर पहली कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकार ने तुरंत अमल में लाने वाले कामों की लिस्ट बनाई है, जिसमें शामिल नए गौ संरक्षक केंद्र खोलने पर भी विचार शामिल है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में तय होगी यूपी की नई सरकार की रूपरेखा। ये एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आज दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में तय होगी सरकार के शपथ ग्रहण की रूपरेखा। कब और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी, इस पर दिल्ली में विचार किया जा सकता है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी भाजपा में तेज हो गई है। इसे लेकर आज शाम को या फिर कल दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो सकती है। वहीं एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम आवास पर योगी आज कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो जहां जीत के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लंच का कार्यक्रम है। यहां चुनाव प्रबंधन टीम के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी उनके साथ रहेंगे। और आज दोपहर 12 बजे सीएम का मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें चुनाव प्रबंधन टीम के सदस्य भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से भी आज मुलाकात संभावित है। एक और बड़ी खबर बता दें, चुनाव में मिली हार के बाद मायावती का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। किसी भी टीवी कार्यक्रम में पार्टी प्रवक्ताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। मीडिया ने अंबेडकरवादी बसपा मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया, ये मायावती का कहना है, जिसके चलते ये बंदिश लगाई जा रही है। पार्टी प्रवक्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, मायावती ने कहा है। मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और देखिए, यही वो ट्वीट है, यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा जो जिस तरह से जातिवादी द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर अंबेडकरवादी डीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, वे किसी से छिपा नहीं है ये काम। इस हालात में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती ने ये ट्वीट किया है, किसी भी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है, मायावती ने ये बात कही है। और पार्टी के सभी प्रवक्ता सुदेंद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी और ये जो नाम शामिल है, इन्हें लेकर ये जानकारी दी है कि अब किसी टीवी कार्यक्रम में ये शामिल नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं, मायावती ने ये ट्वीट किया है और साथ ही आगे नई जिम्मेदारियां इन्हें दी जाएंगी।
बढ़ते हैं आगे। यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अब चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। लिखा है कि किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो इससे पहले भी, चुनावी नतीजे आने से पहले भी ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की बात कही थी। और इस दौरान जगह जगह कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां चेकिंग भी की जा रही थी वाहनों की और संदेह भी जताया जा रहा था। और अब चुनावों के बाद भी अखिलेश का ये ट्वीट। बढ़ते हैं आगे। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अपने बेटे नितिन अग्रवाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नितिन ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, संगठन खुद उन पर विचार करेगा। साथ ही महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात को लेकर नरेश अग्रवाल ने कहा है कि उनसे सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर बात हुई है। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा से खास बातचीत की है। इसमें नरेश अग्रवाल ने क्या कुछ और कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही मिलने वालों का तांता रहता है। तमाम बड़े नेता पदाधिकारी यहां पर आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ में मौजूद है पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल जी, जो आए थे यहां पर अभी महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी से मुलाकात करने। सर, बड़ी सुबह सुबह आप पहुँच गए मिलने। देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव नजदीक हैं और हमें संगठन का काम ही जब करना है तो उस पर चर्चा था कि अब खाली होने के बाद हम लोग किस तरह पार्लियामेंट को जिताएं। तो हमने चर्चा करी और कई जिलों पर चर्चा करी। ये बताएं कि आपके बेटे पिछली बार तो विधानसभा में रहे, अब की बार क्या लगता है, मंत्री बनकर विधानसभा जाएंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। कुछ आपने अपनी तरफ से बात रखी है? नहीं, उन्हें सब जानते हैं। मैं क्या कहूँ, उन्हें क्या पहचान माऊंगी, मेरे बेटे हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली, चौथा टर्म जीत चुके हैं तो खुद ही संगठन उस पर विचार करेगा। यानी लगता है चौथा टर्म जीत चुके, पहचान ना चुके, यानी लगता है कि डिजर्व करते हैं वो बिल्कुल मंत्रिमंडल में? करते ही है, तभी तो आपने पूछा है प्रश्न, नहीं तो सबके लिए नहीं पूछते। और जो चार टर्म जीत जाता है वो डिजर्व करता है इस काम के लिए, और मंत्री रह भी चुके हैं उपाध्यक्ष विधानसभा के, तो उतना क्लेम तो मांगेंगे। मांगेंगे तो यानी उम्मीद करते हैं पूरी की जगह मिलेगी मंत्रिमंडल? अभी उम्मीद पे तो पूरी राजनीति टिकी हुई है। आपने अपनी तरफ से कुछ बात की है अभी नहीं किसी पदाधिकारी? वो बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो अब हम का रोज रोज उनकी पैरवी करते रहे, वो बालिग हो गए, अपने आप से हम अपनी पैरवी कर सकते। तो ये थे हमारे साथ में नरेश अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे जो हैं वो डिजर्व भी करते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में जगह भी मिलेगी। हालांकि उनका ये साफ कहना है कि अब उनके बेटे बड़े हो चुके हैं, खुद अपनी जगह अपनी पहचान ना चुके हैं, इसलिए उनके लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं लगती उनको। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे। यूपी में भाजपा की जीत के बाद अब यूपी में काबा गाने का हर ओर से जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे यूपी में काबा गाने का जवाब दे रही हैं। सुनिए आप भी। अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में 24 घंटा बिजली बा, यूपी में खाना बा, यूपी में दाना बा, यूपी में सबका सम्मान बा, यूपी में गरीबन के घर बा, यूपी में गरीबन का मुफ्त में इलाज बा, यूपी में सब कुछ बा, जी कबू न रहल ऊ अब्बा, यूपी में सब बा, यूपी में राम मंदिर। इस चुनाव में अगर दल बदलने वाले किसी एक नेता पर सियासी विश्लेषकों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी रही तो वे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। इसी 14 जनवरी को लखनऊ के सपा कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर चुभने वाले और तीखे सवाल उठाए थे। तमाम दावे करने वाले मौर्य इस चुनाव में फाजिलनगर से हार गए। आज जब एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने नागनाथ और सांपनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे घेर कर हराया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से की थी।
दावा था कि वे अर्जुन की तरह योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर हार गए। एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि आखिर रणनीति में चूक कहां रह गई। ये विषय तो मेरे लिए भी सोचने का है कि चूक कहां रह गई, लेकिन जीत और हार ये दोनों लोकतंत्र के पहलू हैं। जीतने वाला कभी हारता है, हारने वाला भी कभी जीतता है, इसलिए जीत और हार को दोनों समान रूप से देखना चाहिए और लेना भी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से कहा कि हम अब गलतियों को दूर करने के तरीके खोजेंगे। मौर्य की माने तो चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने हाल चाल लिया। हार की वजहों को लेकर कहते हैं कि मुझे घेर कर हराया गया। नागनाथ और सांपनाथ दोनों मिलकर के हमें विजयी नहीं होने दिए, शेरा विजय का उनके हाथ लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने उस मुद्दे से पीछे नहीं हटा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हैं और अब भी उनकी बेटी भाजपा में। संगमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं। संगमित्रा मौर्य ने पिता की हार और भाजपा में रहने को लेकर एबीपी गंगा से खुलकर बातचीत की। संगमित्रा मौर्य ने कहा कि मैं भाजपा में ही रहूंगी। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद संगमित्रा मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसी थी। देखिए, वहाँ के लोकल के कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पे मैंने नाराजगी जताई थी और वो नाराजगी हमें है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में जिस तरह से देश में प्रदेश में कार्य को कर रही है उसको अगर किसी भी तरह से कोई धूमिल करने का प्रयास करता है, लांछन लगाने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर नाराजगी जाहिर है। संगमित्रा मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि पिता के लिए फाजिल नगर क्षेत्र नया था, मुश्किल से 4-5 दिन ही यहां दे पाए। भाजपा सांसद ने कहा कि हर बार जरूरी नहीं कि हम चढ़ते ही जाएं, कई बार ब्रेक भी लगता है। देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूं, आज जीती हुई हूं, तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहां तक पहुंची हूं। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भले ही संगमित्रा मौर्य ने भाजपा में बने रहने की बात कही, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद के माहौल में भी उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा के बुलडोजर ने चुनावी नतीजों में विरोधियों को रौंद कर रख दिया, लेकिन भाजपा की ऐतिहासिक जीत में बुलडोजर की आखिरी हथियार नहीं था, बल्कि भाजपा की जीत के और भी नायक है। अखिलेश की हर रणनीति पर हमले करने में भाजपा सरकार की राशन से लेकर प्रशासन तक की नीति अहम रही है, तो वहीं मथुरा, अयोध्या और काशी ने गहरे वार भी किए। यूपी की चुनावी जंग भाजपा ने फतह कर एक बार फिर से यूपी की फिजाओं में भगवा फहरा दिया, लेकिन भाजपा की जीत में अयोध्या, मथुरा और काशी का फैक्टर खोलकर सामने आया है, क्योंकि पश्चिम में जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने मथुरा का जिक्र जमकर किया, या यूं कहें कि चुनाव प्रचार की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से ही की। जब तक पश्चिम में चुनाव हुआ, मथुरा का जिक्र जमकर हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने न सिर्फ मथुरा की सभी 5 सीटें जीत ली, बल्कि जिस पश्चिम के लिए कहा जा रहा था कि जाट नाराज है, वहां 136 में से 93 सीटें अपने खाते में डालकर विपक्ष के खिलाफ बड़ी बढ़त ली। इसी तरह अयोध्या, अवध में जीत का फैक्टर बनकर सामने आया। हर मंच से, हर मचान से
राम मंदिर का जिक्र किया और जनता को संदेश भी दिया कि जो भव्य राम मंदिर बन रहा है अगर सत्ता बदली तो उसका काम रुक जाएगा। इतना ही नहीं, योगी कई बार अयोध्या गए और अवध को साधने के लिए राम मंदिर का मुद्दा जमकर उठाते रहे। इसका असर यह हुआ कि अयोध्या की 5 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती, वहीं अवध की 118 सीटों में से 87 सीटें जीत ली। और जब चुनाव पूर्वांचल पहुंचा तो पीएम मोदी ने कमान संभाली और हथियार बनाया काशी को, जहां 3 दिन तक पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दिया। हालांकि विपक्ष ने भी कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी के सामने सब हवा हो गए। काशी की सभी 8 सीटें भाजपा ने जीत ली और जिस पूर्वांचल को सबसे टफ माना जा रहा था, वहां 130 सीटों में 77 पर कमल खिलाकर यूपी में जीत की पटकथा लिख दी। सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा ने पहले चरण से चुनाव पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जो आखिर तक कमजोर नहीं हुई। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 46 सीटें भाजपा ने जीती, जबकि रालोद सपा का गठबंधन होने के बाद भी सपा के खाते में 12 सीट गईं। दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य जिले थे, लेकिन यहां भी भाजपा ने सेंध लगा दी और 55 सीटों में से 31 सीटें जीत ली। सपा को 24 सीटें ही मिली। तीसरा चरण यादव लैंड था, जहां 59 सीटों में से भाजपा ने 44 सीटें जीती और सपा के खाते में सिर्फ 15 सीट आई। चौथे चरण में भाजपा और ज्यादा मजबूत दिखी, 59 में से 49 सीट भाजपा ने और 10 सीट सपा ने जीती। पांचवें चरण में भी 61 सीट का दंगल था, जिसमें भाजपा ने 37 और सपा ने 21 सीट जीती। छठे चरण में 39 सीट भाजपा और 16 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन सातवें राउंड में ये लड़ाई बराबर पर छूटी, 54 में से 27 सीट भाजपा गठबंधन और 27 सीट सपा गठबंधन ने जीती। मतलब सभी राउंड में भाजपा अजय रही और 7-0 से जीतकर विपक्ष के खाते में करारी शिकस्त लिख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूपी के चुनाव में बुलडोजर की खूब चर्चा हुई और प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद वाराणसी में बुलडोजर टैटू की धूम है। लोग अपने हाथ पर बुलडोजर का टैटू बनवा रहे हैं, साथ ही बुलडोजर बाबा का नाम भी लिखवा रहे हैं। काशी के 80 घाट पर एक टैटू शॉप पर कई भाजपा समर्थक टैटू बनवाते हुए नजर आए। जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है, उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया। उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं, जितने गुंडे माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ से। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। तो आज आपने भी उसी पे बुलडोजर बनवाया? आज हमने भी बुलडोजर बाबा बनवा लिया है। जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर।